हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नॉन वेज स्टार्टर की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आज बनाऊंगी चिकन स्टिक। ये खाने में भी जितना टेस्टी है और बनाने में भी उतना ही इजी है। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बनाने के लिए मैंने इधर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, अच्छे से धो के इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहे तो चिकन के दूसरे पीसेस यानी कि थाइस पीसेस वगैरह भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। इधर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। इधर मैं मैरिनेशन के लिए डालूंगी जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इधर मैंने डाला है विनीगर 1 टीस्पून, अगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सोया सॉस 1/2 टीस्पून और टोमेटो सॉस 1 टीस्पून। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रखा था मैरिनेट होने के लिए। जितना देर तक आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप फ्रिज के बाहर ही इसको मिनिमम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो इधर मैंने कुछ कबाब स्टिक लिया है और कबाब स्टिक को आप पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखें ताकि जो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये स्टिक जलेगा नहीं। तो इसमें इस तरीके से चिकन के पीसेस लगा लेंगे। एक स्टिक में 3 से 4 पीसेस आप लगा लीजिएगा, जितना आपको मर्जी उस हिसाब से। इसको लगाने के बाद इसको मैदे में कोट कर देंगे। इधर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। इससे क्या होगा, जब हम इसको अंडे में कोट करेंगे तो अंडा जो है वो अच्छे से चिपक के रहेगा, इसको पकड़ लेगा। अदरवाइज अंडा जो है वो कोट नहीं होता है अच्छे से। अगर मैदा से कोट कर देंगे तो अंडा से ही अच्छे से कोट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे जो स्टिक है उसको रेडी करेंगे। इधर मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैंने 1 अंडा डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डालूंगी, करीब 1/4 कप। दूध डालने से क्या होगा, अंडे का जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो अच्छे से कोट हो पाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिया है, ये घर का बना हुआ ब्रेड क्रम्स है जो सैंडविच बनाने के बाद कॉर्नर्स निकलता है ब्रेड का, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद हल्का सा रोस्ट कर लिया है, क्रिस्पी कर लिया है रोस्ट करके। तो अभी जो 1-1 स्टिक है उसको अंडे में डीप कर लेंगे, अभी ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि कोई खाली जगह ना रहे। इसी तरीके से सारे स्टिक को रेडी कर लेंगे। और इसको बनाने के बाद आप फ्रीजर में 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। कोई भी जिपलॉक बैग हो या फिर एयरटाइट कंटेनर हो उसमें आप भर के इसको आराम से 1 महीने तक चला सकते हैं। इसी तरीके से सारे स्टिक को मैंने रेडी कर लिया है। अभी इसको मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए, अदरवाइज ब्रेड क्रम्स जो है बाहर से जल जाएगा और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होने में ऑलमोस्ट 8 से लेके 10 मिनट लगेगा।
एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाए तो इसको पलट दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसको आप मनपसंद कोई भी चटनी हो या सॉस हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।